हेलो गाइस, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी फॉर बिजनेस। आप अगर मेरे बारे में और जानना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो, आईडी डिस्क्रिप्शन में है। आप इस तरह की वीडियोस और देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बी फॉर बिजनेस को। आज हम बात करेंगे जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हो, यूट्यूब और यूट्यूब की सफलता के बारे में। आज यूट्यूब हम सबके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। YouTube Google के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सर्च इंजन है और दुनिया का सबसे बड़ा वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म भी। Google के CEO सुंदर पिचाई जी का कहना है कि आने वाले दिनों में YouTube TV से कई गुना बड़ा होने वाला है, क्योंकि YouTube पर कंटेंट क्रिएटर भी आप होते हो और व्यूवर्स भी आप। ये वो दिखाता है जो आप चाहते हो, YouTube आपकी चॉइस पर चलता है। यहाँ हमें किसी भी प्रकार की जानकारी मिलने में आसानी होती है। पूरी दुनिया की पॉपुलेशन 7.5 बिलियन की है, उसमें से 2 बिलियन लोग यूट्यूब के एक्टिव यूजर्स हैं और यूट्यूब एक्टिव यूजर्स के नंबर हर दिन बढ़ते रहते हैं। तो चलिए बात करते हैं यूट्यूब के स्टार्टअप के बारे में। यूट्यूब की शुरुआत 2005 में तीन दोस्तों ने मिलकर की थी, चैड हर्ली, स्टीव चेन, जावेद करीम। ये तीनों दोस्त पहले पेपैल में काम करते थे। एक दिन ये तीनों एक बर्थडे पार्टी में गए। ये वहाँ की वीडियो शेयर करना चाहते थे, पर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं था जिससे वीडियो शेयर की जाए। ईमेल पर इतना बड़ा वीडियो शेयर नहीं होता था। और इसी तरह एक दिन जावेद करीम को जस्टिन टिम्बरले और जेनेट जैक्सन के कंट्रोवर्सी का वीडियो देखना चाहते थे। तब वीडियो देखने और शेयर करने का ऐसा कोई मॉडल ही नहीं था। इस पर इन तीनों ने मिलकर चर्चा की। उनको लगा दुनिया में ऐसी कितनी वीडियोज़ होंगी जो लोग देखना चाहते हैं, जैसे सुनामी की वीडियो किसी ने तो शूट की होगी, पर यह वीडियो लोगों तक पहुंचाने के लिए कोई मॉडल ही नहीं है। तभी उन्होंने YouTube जैसे प्लेटफॉर्म बनाने की सोची, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां लोग चाहे वो देख सके और दुनिया को भी दिखा सके। 2005 में YouTube की एक वेबसाइट भी रजिस्टर हो गई और बाद में YouTube के लिए इन्वेस्टर्स भी मिल गए। शुरुआत में YouTube का ऑफिस सेंट मार्टियो में एक रेस्टोरेंट के ऊपर था। बाद में दिसंबर 2005 में YouTube को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया। आगे चलकर 2006 में Google ने YouTube को आधिकारिक तौर पर खरीद लिया। मई 2007 को YouTube में पार्टनर प्रोग्राम की शुरुआत हो गई। इससे क्रिएटर्स को अपनी वीडियो में आने वाली एड्स के लिए पैसे मिलने लगे। तब से YouTube पर क्रिएटर्स की संख्या बढ़ने लगी। 31 मार्च 2010 तक YouTube के 2 बिलियन डेली यूजर्स भी हो चुके थे। YouTube ने हर बार समय के साथ बदलाव किया। आगे चलकर 2017 तक हर एक मिनट में 400 घंटे के वीडियोस अपलोड होने लगे। इस तरह YouTube दुनिया का सबसे बड़ा वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म बन गया। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट।